मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका जो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था थर्ड क्लास का, लेसन 4-7 आर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। अब तक हमने देखा कि इंडिपेंडेंस डे जो है क्यों मनाया जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हम देखते हैं द रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ठीक है, ऑन 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इंटू फोर्स एंड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। 26 जनवरी 1950 को जो भारत का संविधान था वो जो है बल में आया और इंडिया जो है एक गणतंत्र राज्य बना। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। ऑन 26 जनवरी वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल हॉलीडे एंड बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी को जो है एक नेशनल हॉलीडे के तौर पर घोषित कर दिया गया कि हर साल 26 तारीख को राष्ट्रीय छुट्टी होगी और उस चीज़ को पहचाना गया, रिकॉग्नाइज किया गया और उस दिन को सेलिब्रेट किया जाने लगा एज किस तौर पर, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के तौर पर। भारत में द रिपब्लिक डे इज एन एनुअल इवेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस और इन इंडिया। जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उसको एक वार्षिक घटना जो कि हर वर्ष होती है, राष्ट्रीय महत्व के साथ इंडिया में मनाए जाने लगा। द सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे आर हेल्ड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया। इसका सेलिब्रेशन जो इसको मनाया जाता है वो भारत में हर राज्य में मनाया जाता है गणतंत्र दिवस के तौर पर। इन न्यू दिल्ली इज स्पेशल विद द ग्रैंड शो ऑफ रिपब्लिक डे परेड फ्रॉम द राजपथ अप द हिस्टोरिकल रेड फोर्ट। और नई दिल्ली में जो है इस दिन एक ग्रैंड, बहुत बड़े स्केल पर जो है रिपब्लिक डे की परेड जो है निकाली जाती है, उसका एक पूरा शो होता है। बहुत ही अच्छी भव्य परेड निकाली जाती है जो कि राजपथ से लेके ऐतिहासिक लाल किले तक जाती है। ठीक है, आप देखिए पिक्चर में जो परेड है उसकी अलग अलग फोटोग्राफ्स दिखाई गई हैं आपको। सम व्यूज ऑफ रिपब्लिक डे परेड। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अलोंग विद द चीफ ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी स्टाफ रिमेंबर द सोल्जर हु सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स फॉर आर कंट्री। इस दिन प्रधानमंत्री के साथ साथ जो हैं जो आर्मी हैं उनके प्रमुख, एयरफोर्स के, नेवी के जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो जो हैं उन सोल्जर्स, उन सैनिकों की शहीद जो हो गए हैं, उनकी शहीदी जो उन्होंने अपने भारत के लिए शहीद हुए हैं उसको, उनको याद कर कर जो है उन वहाँ पर याद किया जाता है उनको। ठीक है, उस परेड में उन शहीद सैनिकों को याद किया जाता है जो हमारे भारत के लिए जो है उन्होंने अपनी जान दी। आर्म्ड फोर्स शो देयर स्ट्रेंथ एट द रिपब्लिक डे परेड। जो आर्म्ड फोर्स है, जो कि आर्मी की फोर्स है, उसकी ताकत जो है, जो अलग अलग फोर्स हैं, एयर फोर्स, नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स, इनकी ताकत जो है दिखाई जाती है उस परेड में कि वो कितने शक्तिशाली हैं, उनके पास क्या-क्या जो है नए नई टेक्निक्स हैं। द प्रेजिडेंट होस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड अवार्ड्स द ब्रेवरी मेडल टू द सोल्जर्स। और राष्ट्रपति जो हैं उस दिन नेशनल फ्लैग, कौन सा है हमारा नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर या फिर तिरंगा, उसको फहराते हैं और जो सोल्जर सैनिक हैं उनको वीरता का पुरस्कार जो है इस दिन वहां पर देते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टेक सैल्यूट ऑफ द मार्च पास्ट बाय द सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट विंग्स ऑफ वन आर्म्ड फोर्स। जो प्रेजिडेंट हैं भारत के वो जो हैं सशस्त्र बल जो है, जो शस्त्रों के साथ है, उन बल्स जो है उनकी जो मार्च पास्ट निकलती है उससे सलामी जो है वो देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस दिन। ट्रेडिशनल सॉन्ग्स
एंड डांस आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस आर्टिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट. अलग अलग ट्रेडिशनल, मतलब कि जो वहाँ के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं उन पर डांस भी किए जाते हैं और सॉन्ग भी गाए जाते हैं अलग अलग आर्टिस्ट से अलग अलग राज्यों के. ठीक है, डांस भी परफॉर्म होता है और गाने भी गाए जाते हैं अलग अलग राज्यों के ट्रेडिशनल. ठीक है, नेक्स्ट है द गांधी जयंती. महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन वॉज बोर्न ऑन द 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात. जो हमारे राष्ट्रपिता जिनको महात्मा गांधी जो हैं उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था. हिज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ नॉन वायलेंस एंड ऑनेस्टी आर स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट रिवेनर्स. जो उनकी प्रिंसिपल थे, आदर्श थे सच्चाई, अहिंसा और ईमानदारी, उनको आज भी बड़े सम्मान के साथ याद रखा जाता है, रखा गया है. प्रेयर्स आर हेल्ड ऑल ओवर इंडिया. जो प्रार्थनाएं हैं वो पूरे भारत में होती है, स्पेशली एट द राजघाट इन न्यू दिल्ली वेयर ही वॉज क्रीमेटेड. और स्पेशली कहाँ पर, मुख्य तौर पर राजघाट जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वहाँ पर स्पेशल प्रेयर्स होती हैं. पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन्स हेल्ड प्रेयर मीटिंग एंड ऑब्जर्व कॉमेमोरेटिव सेरेमनीज. जो लोग हैं अलग अलग कास्ट के और धर्मों के, वो प्रेयर्स करते हैं, मीटिंग करते हैं, मतलब कि प्रार्थना सभा होती हैं और वो स्मरणीय समारोह जो है अलग अलग सिटीज़ में किया जाता है जहाँ पर महात्मा गांधी को याद किया जाता है. वी शुड टेक अ वॉक टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड पीस शोन बाय हिम. हम जो है हमें इस चीज़ का व्रत कर लेना चाहिए कि जो उनके द्वारा दिखाया गया सच्चाई और शांति का मार्ग है हम उसको अपनाएं. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम रिलीजियस फेस्टिवल्स करेंगे. इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर सेंड करूंगी जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है और लर्न भी करना है. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू.